चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस वाली। इन्वर्टर हमारा चल रहा था, इन्वर्टर टॉपिक चल रहा है, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। फुल ब्रिज इन्वर्टर कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस वाली। तो अब तक हम लोग हाफ ब्रिज इन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे, टिल नाउ हम लोग हाफ ब्रिज इन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस वाली। यहाँ पे सर्किट जो है कुछ डिफरेंट टाइप का दिखेगा तुम्हें। दिस वन इज द स्विच। इसके एंटी पैरेलल में हम लोग एक डायोड कनेक्ट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ भी एक स्विच लगा हुआ है इसके एंटी पैरेलल में, अगेन एक डायोड को हम कनेक्ट करेंगे। ये लोड है, और यहाँ भी एक स्विच कनेक्टेड है। और इसके एंटी पैरेलल में एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, सर्किट समझ में आ रहा है सभी को? सर्किट समझ में आ रहा है? दिस इज द आउटपुट करंट, और एक कोई लोड है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज दैट दिस इज स्विच S1, दिस इज डायोड D1, यहाँ पे स्विच S2 है, यहाँ पे डायोड D2 है, यहाँ पे स्विच S3 है, यहाँ पे डायोड D3 है, यहाँ पे स्विच S4 है, यहाँ पे डायोड D4 है। ठीक है,
इसे ए डिनोट कर लेते हैं, इसे बी डिनोट कर लेते हैं और इसे ओ डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और जनरली ओ इज ग्राउंडेड, इन दिस वे वी एस डिवाइडेड बाई टू, वी एस डिवाइडेड डिवाइडेड बाई टू, ये डी सी सोर्स है, ठीक है। और हमारे पास चार स्विच हैं, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, हमारे पास चार डायोड है, डी वन डी टू डी थ्री एंड डी फोर। दिस वन इज़ द लोड, और लोड के क्रॉस आउटपुट करेंट फ्लो कर रहा है, और इसका हमने डायरेक्शन इस तरह से जूम कर लिया है, एस वन इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस वनली, कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस वनली। चलो, तो ये डायग्राम समझ में आया सभी को, बोलो। ये डायग्राम समझ में आया सभी को, टेल मी। परफेक्ट। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, कुछ टर्म्स हैं जिसे हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे समझने पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कुछ टर्म्स को, जैसे पोल वोल्टेज। व्हाट डू यू मीन बाय पोल वोल्टेज? व्हाट डू यू मीन बाय पोल वोल्टेज? पोल वोल्टेज इज ए जीरो, है ना। द वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट द वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए, द वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज कॉल्ड पोल वोल्टेज, दैट इज वी ए ओ। तो उसी तरह से वी बी वी बी ओ भी पोल वोल्टेज हो जाएगा। तो पोल वोल्टेज इज वी ए ओ एंड वी बी ओ। वॉट इज लाइन वोल्टेज? वॉट इज लाइन वोल्टेज? लाइन वोल्टेज इज वी ए बी, लाइन वोल्टेज इज वी ए बी, एंड ऑब्वियस है वी ए बी इक्वल टू वी ए ओ माइनस वी बी ओ। नाउ व्हाट हैपन व्हेन एस वन एंड एस टू ऑन? देखो, समझने की कोशिश करो। पोल वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ठीक है। पोल वोल्टेज इज द वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज कॉल्ड द पोल वोल्टेज। इन द सेम वे वी कैन डिफाइन फॉर वी बी ओ, द वोल्टेज एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज कॉल्ड द पोल वोल्टेज। एंड वॉट इज लाइन वोल्टेज? लाइन वोल्टेज इज ए टू बी, वोल्टेज अक्रॉस द लोड, वोल्टेज अक्रॉस द लोड वी ए बी, दैट इज वी ए ओ माइनस वी बी ओ। वी ए बी इज द लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग हाफ ब्रिज सर्किट में, हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग स्विच S1 को हम लोग ऑन कर रहे थे, देन D1 को ऑन कर रहे थे, देन S2 को ऑन कर रहे थे, देन D2 को ऑन कर रहे थे, ठीक है। तो वन बाई वन वहाँ पे हम लोग ऑन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर हम ऑन करेंगे तो एक साथ करेंगे, कहने का मतलब S1 एंड S2 शुड बी टर्न ऑन साइमल्टेनियसली, एक साथ हम इसको ऑन करेंगे। S1 एंड S2 को एक साथ ऑन करेंगे, D1 एंड D2 को एक साथ ऑन करेंगे, अगेन S3 S4 को एक साथ ऑन करेंगे, एंड अगेन D3 एंड D4 को हम एक साथ ऑन करेंगे। तो जब S1 S2 ऑन होगा, ठीक है, जब S1 एंड S2 ऑन होगा, S1 एंड S2 जब ऑन होगा, तो हम लोग पोल वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। पोल वोल्टेज निकाल सकते हैं कैसे? इस वाले लूप में केबल लगाओ, इस वाले लूप में केबल लगाओ, ठीक है। अगर इस वाले लूप में केबल लगाते हो, इस वाले लूप में केबल लगाते हो, तो क्या मिलेगा? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पोल वोल्टेज, दैट इज वी ए ओ, अप्लाई केबीएल इन लूप,
माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू, माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, ये ऑन हो गया। अगेन प्लस वी ए ओ इक्वल टू ज़ीरो, दिस विल गिव वी ए ओ इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। एंड व्हाट इज वी एस? दैट इज द वी एस डिवाइडेड बाई टू। वी एस इसके बराबर है, अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम केवीएल लगाते हैं, अगर हम केवीएल लगाते हैं इस वाले लूप में, तो माइनस वी एस बाई टू हो जाएगा, एस वन क्लोज्ड है, ठीक है। तो क्लोज होगा तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, इसके क्रॉस का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू प्लस वी ए ओ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से वी ए ओ कितना मिल जाएगा, दैट इज़ द पोल वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई टू, दैट इज वी एस डिवाइडेड बाई टू। दिस इज द पोल वोल्टेज, दिस इज द पोल वोल्टेज, नॉट द लाइन वोल्टेज, क्लियर है। चलो, हमारे पास दो स्विच ऑन है, एक एस वन ऑन है और एक एस टू ऑन है। तो एस वन जब ऑन है तो हमने वी ए ओ निकाल दिया, अब जब एस टू ऑन रहेगा देन वी विल फाइंड आउट द वी बी ओ, देन वी विल फाइंड आउट द वी बी ओ। नाउ व्हेन एस टू विल ऑन, जब एस टू ऑन होगा तो केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ। किस वाले लूप में केवीएल लगाओगे? इस वाले लूप में केवीएल लगाओ, ये आउटर वाले लूप में केवीएल लगाओ, ठीक है, आउटर वाले लूप में केवीएल लगाओ। देखो, इस आउटर वाले लूप में केवीएल लगाओ, दिख रहा है? एक बार कंफर्म करो कि दिख रहा है, कौन से लूप की हम बात कर रहे हैं, कौन से लूप की हम बात कर रहे हैं। ऐसे चलो और सीधे यहाँ का वोल्टेज देन बी का वोल्टेज, ठीक है, आउटर वाले लूप की बात कर रहे हैं, आउटर वाले लूप की बात कर रहे हैं। एस टू मेरा ऑन है, एस टू मेरा ऑन है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलो, दिख रहा है सबको? एक बार कंफर्म करो कि हम किस लूप की बात कर रहे हैं, किस लूप की हम बात कर रहे हैं, कि एक बार कंफर्म करो हम किस लूप की बात कर रहे हैं। माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू प्लस क्या हो जाएगा बताओ? माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू देन वी ओ बी, यही होगा ना, प्लस वी ओ बी, ओ बी स्विच एस टू मेरा ऑन है, ठीक है। तो वी ओ बी इक्वल टू ज़ीरो, दिस विल गिव, दिस विल गिव वी ओ बी, वी ओ बी इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई टू, एंड दिस इम्प्लाइज वी बी ओ इक्वल टू माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है? टेल मी, टेल मी, कैसे हमने वी ए ओ निकाला एंड वी बी ओ निकाला, टेल मी। कंफर्म करके बताओ क्या वी ए ओ सही है, वी ओ बी समझ में आया, कैसे ये निकला, वी ए ओ कैसे निकला, वी बी ओ कैसे निकला? क्या चीज क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज। व्हाट इज लाइन वोल्टेज? What is line voltage in this case? That is VAB, and VAB, VAB is the voltage across the load. That is VAO minus of VBO. What is VAO? That is VS divided by 2. That is VS divided by 2. What is VBO? That is minus of VS divided by 2. This will give. This will give, I think this will give Vs. So VAB, that is the line voltage, equal to Vs.
तो लोड के अलोंग जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाफ मिल रहा है सोर्स वोल्टेज के, हाफ मिल रहा है सोर्स वोल्टेज के, या फुल मिल रहा है सोर्स वोल्टेज के, ये चीज़ बताओ। लास्ट वाले केस में लोड वोल्टेज के अलोंग मुझे हाफ मिल रहा था, जितना हमने डीसी सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया उसका हाफ मिल रहा था, हाफ ब्रिज में। फुल ब्रिज में जो लोड के अलोंग वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा वोल्टेज मिल रहा है, लोड के अलोंग पूरा पूरा का वोल्टेज मिल रहा है, दैट्स वाई इसे कहा गया फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि कैसे हमें फुल वोल्टेज मिलता है इस वाले सर्किट में, बोलो। चलो नेक्स्ट। अच्छा, हम करंट की बात कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म है कि आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो। इन दिस केस आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो। व्हाट अबाउट द आउटपुट करंट? आउटपुट करंट की बात करें, आउटपुट करंट की अगर बात करें तो आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जब S1 एंड S2 क्लोज होगा, ये कंफर्म करो। हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो स्विच है इस तरह से कनेक्टेड है, ये सपोज करो थायरिस्टर है, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक डायोड को हम लगाए, ठीक है। चलो तो अब ये बताओ, इस थायरिस्टर को कनेक्ट करने के लिए करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? वैसे ही होना चाहिए जैसा डायरेक्शन गिवन है, वैसे ही होना चाहिए जैसा डायरेक्शन गिवन है, क्योंकि S1 S2 ऑन है, S1 S2 ऑन है, तो S1 S2 को ऑन होने के लिए करंट का डायरेक्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा करंट का डायरेक्शन गिवन है। टेल मी, क्योंकि S1 S2 तभी ऑन होगा जब करंट ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, है ना। P2N, ये P है, सर ये थायरिस्टर है, तो ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, एनोड है, वी ऑल नो दिस इज एनोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, दैट इज की। तो करंट विल मस्ट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन ऑर्डर टू टर्न ऑन दिस थायरिस्टर, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन तो एनोड टू कैथोड ही होना चाहिए, तो करंट डायरेक्शन तो सेम ही है, लोड के डायरेक्शन के अलोंग ही है, तो इसका मतलब करंट इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव इन दिस केस, करंट इज पॉजिटिव इन दिस केस, गुड। तो इसका मतलब व्हेन S1 एंड S2 आर ऑन, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि व्हेन S1 S2 ऑन, ठीक है, देन आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। परफेक्ट। चलो नाउ नेक्स्ट केस की बात करते हैं, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। व्हेन D1 एंड D2 ऑन, D1 एंड D2 ऑन, इस केस में क्या होगा जब हम दोनों को ऑन करेंगे, D1 एंड D2 को ऑन करेंगे? चलो इस केस में सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं, आउटपुट वोल्टेज की हम बात करते हैं। तो डायग्राम देखो, D1 D2 मेरा ऑन है, D1 D2 मेरा ऑन है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो चलो यहाँ से इस वाले लूप में ऐसे देखो, इस वाले लूप में हम लोग KVL परफॉर्म करेंगे, इस वाले लूप में हम लोग KVL परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट वोल्टेज। ये लूप कंफर्म हुआ, ये लूप कंफर्म हुआ, बोलो। D1 D2 ऑन है, ठीक है, तो KVL लगाते हैं, -VS डिवाइडेड बाई टू, अगेन -VS डिवाइडेड बाई टू, आगे बढ़ो, D1 मेरा ऑन है। चलो इसके अलोंग का वोल्टेज, इसके अलोंग का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी नॉट, सपोज करो यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं वी नॉट, ठीक है, प्लस ऑफ वी नॉट, आगे बढ़ो, D2 ऑन है, ठीक है। चलो ये कंप्लीट लूप बना, तो इस वाले लूप में अगर हम KVL परफॉर्म करेंगे व्हेन D2 एंड D2 विल ऑन, तो देखो KVL अगर लगाएंगे तो -VS डिवाइडेड बाई टू, अगेन -VS डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, प्लस ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो। कंफर्म, बोलो सही है, सही लिख रहे हैं,
यहां से कितना हो गया, ये आ जाएगा वी एस, सही है, ये आ जाएगा वी एस। नाउ व्हाट अबाउट करंट, आउटपुट करंट डायग्राम को देखो, सर्किट डायग्राम को देखोगे, सर्किट डायग्राम को अगर देखोगे तो देखो डी वन एंड डी टू ऑन है मेरा, है ना, डी वन एंड डी टू ऑन है। तो डी वन को ऑन होने के लिए करंट का डायरेक्शन, कुछ इस तरह से फ्लो होना चाहिए, देखो ऐसे ही फ्लो होगा ना, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से फ्लो होना चाहिए। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पी टू एन इन केस ऑफ डायोड, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पी टू एन, पी टू एन ही करंट फ्लो करेगा। तो अगर इस वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट करंट कैसा होना चाहिए, आउटपुट करंट कैसा होना चाहिए बोलो, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इट मीन्स इन दिस केस आउटपुट वोल्टेज इज, आउटपुट करंट इज नेगेटिव। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो व्हेन डी वन एंड डी टू विल ऑन, व्हेन डी वन डी टू विल ऑन देन आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड आउटपुट करंट इज लेस देन जीरो। चलो चलो अब आगे की बात करते हैं। डी वन डी टू ऑन हो गया, व्हेन एस थ्री एस फोर विल ऑन, जब एस थ्री एस फोर ऑन होगा उस केस में टेल मी व्हाट अबाउट द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। एस थ्री एंड एस फोर जब ऑन होगा, एस थ्री एंड एस फोर अगर ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज पे कमेंट करो कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। तो एक बार हम लोग केबीएल लगाते हैं, तो माइनस बी एस डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इस वाले लूप में जाओ, इस वाले लूप में जाओ, ठीक है, इस वाले लूप में जाओ, इस तरह से। एस थ्री एंड एस फोर ऑन है ना, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन होगा तो ये लूप सही है, ये लूप देख पा रहे हो चल रहे हैं ऐसे, एस थ्री एंड एस फोर ऑन है, एस थ्री ऑन हो गया है ना, और एस फोर भी ऑन है इन दिस वे, ठीक है, एस थ्री एस फोर इस वाले लूप में। इस वाले लूप में अगर हम बात करें तो केबल लगा के देखते हैं, केबल लगा के देखते हैं, माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू, अगेन माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। चलो ये माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू, माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू, आगे बढ़ो, एस थ्री ऑन है, आगे बढ़ो। तो जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑफ वी नॉट, माइनस ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा माइनस ऑफ वी एस। आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा माइनस ऑफ वी एस, तो इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव। आउटपुट वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। व्हाट अबाउट द आउटपुट करेंट व्हेन एस थ्री एंड एस फोर आर गेटिंग ऑन, आउटपुट करेंट की बात करते हैं, आउटपुट करेंट की बात करते हैं। अगर हम आउटपुट करेंट की बात करें, देखो एस थ्री एंड एस फोर मेरा ऑन है, ठीक है, एस थ्री एंड एस फोर मेरा ऑन है, एस थ्री एंड एस फोर मेरा ऑन है। एस थ्री एंड एस फोर जब ऑन होगा तो आउटपुट करंट का कैसा नेचर होना चाहिए, देखो एस थ्री तो थायरिस्टर है, सपोज करो ये वाला थायरिस्टर है, तो करंट को जस्ट अपोजिट फ्लो करना चाहिए लोड करंट से। अगर यहाँ पे करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा जैसा कि डायरेक्शन आउटपुट करंट का दिया हुआ है, तो एस थ्री एंड एस फोर तो ऑन नहीं होगा ना। फॉर टर्निंग ऑन द एस थ्री एंड एस फोर, एस थ्री एंड एस फोर को ऑन करने के लिए आउटपुट करंट मस्ट बी नेगेटिव, क्लियर है, आउटपुट करंट मस्ट बी नेगेटिव। तो आउटपुट करंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, आउटपुट करंट मस्ट बी नेगेटिव। तो इट मीन्स जब एस थ्री एस फोर ऑन होगा
यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन ज़ीरो एंड आउटपुट करंट इज आल्सो लेस देन ज़ीरो. आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट इज लेस देन ज़ीरो. बोथ आर नेगेटिव व्हेन S3 एंड S4 आर टर्निंग ऑन. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन व्हेन D3 एंड D4 आर ऑन. व्हेन D3 एंड D4 आर ऑन. अगर हम इसकी बात करेंगे, D3 एंड D4 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है जब D3 एंड D4 को हम ऑन करेंगे. सी है, जब D3 एंड D4 को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा. हमने पहले S1 S2 की बात की, फिर D1 D2, फिर S3 एंड S4, नाउ D3 एंड D4. चलो, तो D3 एंड D4 अगर ऑन होगा तो KVL परफॉर्म करेंगे. KVL परफॉर्म करो, यहाँ से चलो, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन D3 एंड D4 आर ऑन. ठीक है, तो क्या ये लूप दिख रहा है, क्या ये लूप दिख रहा है सभी को, क्या ये लूप दिख रहा है, ये देखो, सही है. सॉरी, D3 एंड D4 है ना. चलो यहां से D3 एंड D4 इन दिस वे. तो ये लूप अगर दिख रहा है सभी को तो केवल परफॉर्म करो. तो केवल अगर परफॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस VS डिवाइडेड बाई 2, अगेन माइनस VS डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, और आगे अगर हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, D3 एंड D4 ऑन है. ठीक है, यहाँ देखो, तो चलो आउटपुट वोल्टेज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया. हम चल कैसे रहे हैं, हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो गया. परफेक्ट, आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ VS आ जाएगा. तो एक मिनट होल्ड करना. आवाज़ सही है, आवाज़ एक बार कंफर्म करो, आवाज़ क्लियर है. ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज तो माइनस ऑफ VS आ गया, माइनस ऑफ VS आ गया ना, जब D3 एंड D4 ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज माइनस ऑफ VS आ गया. सही है, देखो एक बार कंफर्म करो कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस ऑफ VS है. चलो, नाउ कमेंट अबाउट द आउटपुट करंट, आउटपुट करंट पे कमेंट करो, आउटपुट करंट पे कमेंट करो. अगर हम आउटपुट करंट की बात करें, अगर हम आउटपुट करंट की बात करें, तो व्हेन D3 एंड D4 आर ऑन, जब D3 एंड D4 ऑन है, जब D3 एंड D4 ऑन है ना, व्हेन D3 एंड D4 आर ऑन, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट करंट, आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताओ, एटलीस्ट ये बताओ कि जब D3 एंड D4 ऑन है तो आउटपुट करंट का नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि D3 एंड D4 को ऑन होने के लिए करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, फ्रॉम P टू N. ठीक है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जब D3 एंड D4 ऑन होंगे, टेल मी. D3 D4 को ऑन होने के लिए करंट हमेशा फ्लो करना चाहिए फ्रॉम P टू N. डायोड के केस में करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम P टू N. तो जब P टू N फ्लो करेगा, ये P है, ये ऊपर वाला N है. ठीक है, तो आउटपुट करंट कैसा होना चाहिए, टेल मी, पॉजिटिव या नेगेटिव.
पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे आउटपुट करंट का डायरेक्शन के देखो, आउटपुट करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में गिवेन है, तो इसी डायरेक्शन में ना फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में ना फ्लो करेगा, देखो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तब ना ये डायोड ऑन होगा। तो डायोड ऑन होने के लिए करंट पी टू एन फ्लो होना चाहिए, तो आउटपुट करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए डायोड के करंट के अलॉन्ग, तो आउटपुट करंट इज पॉजिटिव, आउटपुट करंट इज पॉजिटिव। जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है आउटपुट लोड के अलॉन्ग, उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर जाए डायोड के केस में, तो आउटपुट करंट पॉजिटिव हो जाएगा और उस केस में डायोड मेरा ऑन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट व्हेन डी थ्री एंड डी फोर विल ऑन, जब ये ऑन होंगे तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एंड आउटपुट करंट इज पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं बोलो। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसी के आधार पे हम वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। वेव फॉर्म कैसा है देखो, वी ए ओ का वेव फॉर्म बनाएंगे एंड देन वी बी ओ का वेव फॉर्म बनाएंगे, दैट इज द पोल वोल्टेज। तो यहाँ पे पोल वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का डिफिनेशन पे थोड़ा गौर करो, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पोल वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। चलो तो भी ए ओ कितना आ रहा था टेल मी, ये कितना आ रहा था भी ए ओ, ये आ रहा था वी डी सी, हाँ वी एस बाई टू, और जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है ये वी एस बाई टू आ रहा था, कब, जब एस वन एंड एस टू ऑन है, ये चीज़ ध्यान रखना, जब एस वन एंड एस टू ऑन है और जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन रहेगा, जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन रहेगा तो उस केस में भी देख लेते हैं, उस केस में भी देख लेते हैं कि पोल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है। ठीक है, देखो जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है ना, यहाँ पे हमने बताया था कि जब एस वन एस टू ऑन है तो वी ए ओ क्या है, वी एस बाई टू के बराबर है, वी बी ओ क्या है, माइनस ओ वी एस टू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हमने पोल वोल्टेज के बारे में बात की थी कब, जब एस वन एंड एस टू ऑन है, लेकिन जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है, जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है, ठीक है, देखो यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस हम एक कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर लिए हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे एक लोड कंसिडर कर लेते हैं, एक लोड है, वी नो वी डो नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ लोड दिस इज, ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि किस तरह का ये लोड है, तो एक ये ओवरऑल डिस्कशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई लोड है, सपोज करो एक यहाँ लोड है, हमें नहीं पता है कौन सा लोड है, हम आर की बात नहीं कर रहे, इन जनरल कोई लोड की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर प्योर रेजिस्टेंस होगा ना, अगर प्योर रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में डायोड कनेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, अगर प्योर रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में डायोड कनेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक जनरल हम अप्रोच लेके चल रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का लोड हो तो एस वन एस टू जब ऑन होगा, डी वन डी टू ऑन होगा, एस थ्री एस फोर ऑन होगा, डी थ्री एंड डी फोर ऑन होगा, तो क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो चलो ये चीज़ तो हमने बता दी, अब हम बात कर रहे थे जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है, जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है तो इस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, इस केस में देखो पोल वोल्टेज क्या होने वाला है, तो एस थ्री एंड एस फोर अगर ऑन रहेगा, एस थ्री एंड एस फोर ऑन रहेगा तो इस वाले लूप में केबल लगाओ, इस वाले लूप में केबल लगाओ, अगर इस वाले लूप में केबल लगाओगे, क्योंकि एस फोर ऑन है तो माइनस बी एस बाई टू भी ओ ए इक्वल टू जीरो, ये ना होगा, अगर तुम यहाँ पे केबल लगाओगे इस वाले लूप में, ठीक है, इस वाले लूप में सिर्फ केबल लगाओ तो क्या मिलेगा, माइनस बी एस डिवाइडेड बाई टू प्लस वी ओ ए इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वी ओ ए इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई टू एंड वी ए ओ कितना हो जाएगा, माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू। बोलो आ गया, जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है, एस फोर ऑन है तो वी ए ओ हमने निकाल दिया, ठीक है, और जब एस थ्री ऑन रहेगा, जब एस थ्री ऑन रहेगा तो उस केस में इस वाले लूप में केबल लगाओ, इस वाले लूप में केबल लगाओ,
इस वाले लूप में केवीएल लगाओ, तो इस वाले लूप में केवीएल लगाओगे तो भी ओ भी मिल जाएगा। चलो देखो, यहाँ से केवीएल परफॉर्म करो, दैट इज माइनस ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई टू, माइनस ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एस थ्री मेरा ऑन है, प्लस वी बी ओ इक्वल टू जीरो। तो वी बी ओ कितना आ जाएगा इस केस में, दैट इज वी एस डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कब है, जब एस थ्री ऑन है, वैन एस थ्री इज ऑन, वैन एस थ्री इज ऑन, और ये वैन एस फोर इज ऑन। ऐसे उन्होंने लिखते हैं, एस थ्री एंड एस फोर ऑन, एस थ्री एंड एस फोर ऑन, ठीक है। तो हमने इस चीज को देख लिया। चलो तो आगे की बात करते हैं। तो ये कितना है, ये कितना है वी एस डिवाइडेड बाई टू, और ये कितना है माइनस ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई टू। चलो वीबीओ की बात करते हैं। तो वीबीओ के केस में, वीबीओ के केस में टेल मी, चलो बताओ, जब एस वन एस टू ऑन है, जब एस वन एस टू ऑन है तो उस केस में क्या होने वाला है, वी बी ओ माइनस ऑफ वी एस बाई टू मिल रहा था, ठीक है। और जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है, जब एस थ्री एंड एस फोर ऑन है तो प्लस ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई टू मिल रहा था। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, कंफर्म दिस, दिस इज माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू, ये चीज क्लियर है कि नहीं बोलो। ये चीज क्लियर है कि नहीं बोलो, कंफर्म इट, कंफर्म करो। एक चीज को कंफर्म करो, सही लिख रहे हैं, और ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। पोल वोल्टेज वी ए ओ एंड वी बी ओ, एस वन एस टू जब ऑन है तो वी ए ओ वी एस बाई टू मिल रहा है, जब एस थ्री एस फोर ऑन हो रहा है तो माइनस वी एस बाई टू मिल रहा है, जब एस वन एस टू ऑन है तो वी बी ओ माइनस वी एस बाई टू मिल रहा है, और जब एस थ्री एस फोर ऑन है तो वी एस बाई टू मिल रहा है। तो पोल वोल्टेज वी ओ, वी ए ओ एंड वी बी ओ का वेवफॉर्म देख लो एक बार, दोनों के पोल वोल्टेज का वेवफॉर्म देख लो, वी ए ओ एंड वी बी ओ, ठीक है। चलो अब ऐसा नहीं है कि डी वन एंड डी टू अगर कनेक्ट करेगा, कोई एक जनरल लोड की हम बात करें ना, तो डी वन एंड डी टू जब कनेक्ट करेगा उस केस में भी देखो, उस केस में भी देखो, अगर डी वन डी टू कनेक्ट करेगा तो वी ए ओ निकाल लो, डी वन को ऑन करो, यहाँ पे केवल लगा लो, माइनस वी एस डिवाइडेड बाई टू है ना, प्लस बी बी ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी ए ओ कितना आ जाएगा, प्लस बी एस बाई टू आ जाएगा। तो चाहे एस वन एस टू ऑन है, चाहे डी वन डी टू ऑन है, तो बी ए ओ बी एस बाई टू मिलेगा और बी बी ओ माइनस बी एस बाई टू मिलेगा, ठीक है। डी वन डी टू को ऑन कर लो और बी जीरो निकालो, तो देखो यहाँ से केबल लगाओ, माइनस बी एस बाई टू प्लस बी ओ ओ बी इक्वल टू जीरो, तो बी बी ओ कितना आ जाएगा, माइनस बी एस बाई टू आ जाएगा। तो सेम चीज़ है, तो यहाँ पे जब डी वन डी टू भी कनेक्ट करेगा तो वही मिलेगा, यहाँ पे जब डी थ्री डी फोर कनेक्ट करेगा तो भी यही मिलेगा। वी बी ओ की अगर बात करें, अगर वी बी ओ की बात करें
ठीक है, तो यहाँ पे आइदर एस वन एस टू विल कंडक्ट और डी वन डी टू विल कंडक्ट, ठीक है, तो पोल वोल्टेज माइनस वी एस बाई टू ही मिलेगा। और अगर हम यहाँ की बात करें, दैट इज़ द एस थ्री एंड एस फोर, एस थ्री एंड एस फोर कनेक्ट कर रहा हो, कंडक्ट कर रहा है अगर, और डी थ्री एंड डी फोर अगर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बी बी ओ प्लस वी एस बाई टू के बराबर ही मिलेगा। तो ये चीज़ देख लेना, हमने एस वन एस टू और एस थ्री एस फोर जब ऑन है तो हमने बताया कि वी ए ओ कितना आएगा, और अगेन एस वन एस टू ऑन है, एस थ्री एस फोर ऑन है, तो वी बी ओ कितना आएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर है। नाउ फुल एवरेज के केस में हम लोग फोरियर सीरीज को देखते हैं। फुल ब्रिज के केस में देखो, फोरियर सीरीज भी एओ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू वन थ्री फाइव इन्फिनाइट ट्वाइस ऑफ वी डी सी डिवाइडेड बाई एन पाई आगे साइन एन ओमेगा नॉट, ठीक है, भी बी ओ एन इक्वल टू वन थ्री फाइव इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ वी डी सी डिवाइडेड बाई एन पाई साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। अच्छा, भी वी ओ कितने एंगल से डिस्प्लेस्ड है, भी वी ओ कितने एंगल से डिस्प्लेस्ड है भी ए ओ से, अगर भी ए ओ का रेफरेंस हम मान ले, फेज एंगल इसका हम मान ले, इसको हम रेफरेंस मान ले, ठीक है, तो भी बी ओ इस भी ए ओ से कितने एंगल से डिस्प्लेस्ड है, ये कौन बताएगा, माइनस पाई से डिस्प्लेस्ड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ पाई। नाउ व्हाट अबाउट द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द वी ए बी, दैट इज इक्वल टू एन इक्वल टू वन थ्री फाइव इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे फोर आ जाएगा ना, ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज में वी डी सी मिल रहा था ना कि वी डी सी बाई टू मिल रहा था, वी डी सी बाई टू मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वी डी सी हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है, लोड के अलॉन्ग वी एस मिल रहा है, ठीक है, तो दैट्स वाई इन फोरियर सीरीज इन केस ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी विल राइट द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन एज फोर वी एस डिवाइडेड बाई एन पाई साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक हम आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म तो बनाए नहीं, चलो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा, कैसा दिखेगा बताओ, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा दिखेगा, ये कितना है, ये वी डी सी है, वी एस है ना, ये कितना है वी एस है, और ये कितना है माइनस ऑफ वी एस, ठीक है, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज वी ए बी, दिस इज जीरो, दिस इज टी बाई टू, दिस इज टी, बोलो क्लियर है। चलो, इसके अगर हम आउटपुट वोल्टेज की आर एम एस की अगर बात करें तो सिंपल है, आउटपुट वोल्टेज का आर एम एस ये कितना हो जाएगा, ये वी एस के बराबर हो जाएगा, और वी जीरो वन आर एम एस की अगर बात करें, फंडामेंटल की अगर बात करें, फंडामेंटल की आर एम एस की अगर बात करें, तो देखो ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो इसका आर एम एस कितना हो जाएगा, वी जीरो वन का आर एम एस कितना हो जाएगा,
मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट टू, फोर वी एस डिवाइडेड बाय पुट एन इक्वल टू वन, दैट इज पाई रूट टू, रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा टू रूट टू, टू रूट टू वी एस, टू रूट टू वी एस डिवाइडेड बाई पाई, सही है। चलो तो इसका मतलब ये आरएमएस आ गया टू रूट टू डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी एस। तो हमने एक टर्म बताया था, एक टर्म बताया था डिस्टॉर्शन फैक्टर, दैट इज जी, किसको याद है जी का फार्मूला क्या होगा, जब इन्वर्टर हम बता रहे थे, जब इन्वर्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जब इन्वर्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब हम बताए थे डिस्टॉर्शन फैक्टर, दिस इज नॉन एज डिस्टॉर्शन फैक्टर। और ये किन दो क्वांटिटी का रेशियो होता है, टेल मी, ये होता है वी जीरो वन आर एम एस डिवाइडेड बाई आउटपुट वोल्टेज का आर एम एस, तो डिवाइड कर लो, ये कितना आया है रूट टू डिवाइडेड बाई पाई वी एस, एंड आउटपुट वोल्टेज का आर एम एस दैट इज वी एस, तो कितना आ जाएगा ये टू रूट टू डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज परसेंटेज में अगर बात करेंगे दैट इज 48.43%। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन फैक्टर सेम है एज इन द केस ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में भी हमने देखा था कि डिस्टॉर्शन फैक्टर 48.43% आया था, अगर याद होगा किसी को, कि इन द केस ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट द डिस्टॉर्शन फैक्टर इज 48.43%, अगेन इन दिस केस दैट इज अ फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट, अगेन द डिस्टॉर्शन फैक्टर इज 48.43, सेम एज इन द केस ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है, ओके फाइन परफेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ हम एक जनरल लोड की बात कर रहे थे, अब हम प्योर रेजिस्टेंस लेंगे, प्योर आर लेंगे, देन प्योर एल लेंगे, फिर आर एल लेंगे, फिर आर एल सी लेंगे, ठीक है। तो चार डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के लिए हम फुल ब्रिज इन्वर्टर को देखेंगे, तो एक जनरल आइडिया दे दिए कि फुल ब्रिज को हम लोग कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, इस चीज़ को हमने देख लिया। सही है ना, एक बार कंफर्म करो, सारी चीज़ें समझ में आ गई, S1 S2 ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, आउटपुट करेंट इज ग्रेटर देन जीरो, D1 D2 ऑन है, आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, आउटपुट करेंट इज लेस देन जीरो, S3 S4 जब ऑन है आउटपुट वोल्टेज लेस देन जीरो एंड आउटपुट करेंट इज ऑल्सो लेस देन जीरो, D3 and D4 इज ऑन देन आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन जीरो एंड आउटपुट करेंट इज ग्रेटर देन जीरो, ये चीज़ क्लियर हुआ, बोलो सभी को, यही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, यही सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, पोल वोल्टेज लाइन वोल्टेज ये चीज़ एक बार देख लेना। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं।